उदित एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, आज संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए आज का टॉपिक क्या है, वाच्य। सबसे पहली बात आती है कि वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं। देखिए अपनी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। सिंपल सी बात है कि अपनी बात को रखने का तरीका ही वाच्य कहलाता है। उसके बाद में प्रश्न आता है कि वाच्य के कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं वाच्य के? तीन प्रकार हैं। अर्थात तो वाच्य कितने प्रकार का होता है? वाच्य तीन प्रकार का होता है। पहला देखिए, पहला है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। दोबारा से देखिए, वाच्य किसे कहते हैं? किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार का होता है? वाच्य तीन प्रकार का होता है। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। देखिए वाच्य को बनाते समय, वाच्य को परिवर्तित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे। देखिए कर्तृवाच्य, सबसे पहले बात आती है कर्तृवाच्य। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है तथा पहला जो नियम है कि कर्ता जो होगा कर्तृवाच्य का, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरी बात, कर्तृवाच्य जो होगा वह अकर्मक होगा तथा सकर्मक होगा, यानी दोनों प्रकार से होगा, अकर्मक भी होगा और सकर्मक भी होगा। अकर्म का मतलब क्या है? अकर्म का मतलब है कि किसी वाक्य में ऐसा वाक्य जो कर्तृवाच्य होगा उसमें कर्म नहीं होगा, और कोई वाक्य ऐसा भी आपको मिलेगा जिसमें कर्म होगा। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि जो क्रिया आएगी कर्तृवाच्य में, जो क्रिया आएगी वो क्रिया कर्ता के अनुसार, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार प्रश्नपदी धातु का प्रयोग करना है। जो क्रिया आएगी वचन के अनुसार, किसके वचन के अनुसार? कर्ता के वचन के अनुसार प्रश्नपदी आएगी। प्रश्नपदी धातु क्या होती है? देखिए धातु के दो प्रकार होते हैं, एक परस्मैपदी और दूसरा है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी तो यहां जो प्रयोग होगा कर्तृवाच्य में वो किसका प्रयोग होगा? प्रश्नपदी धातु का प्रयोग होगा, जैसे पठ धातु की तरह रूप चलेंगे। दोबारा से देखिए, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। उसके बाद में बात आती है कि कितने प्रकार का होता है वाच्य। वाच्य तीन प्रकार का होता है। पहला है कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। देखिए कर्तृवाच्य बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात नियम क्या ध्यान में अपने होने चाहिए। पहला नियम है कि कर्ता जो होगा कर्तृवाच्य का, उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरी बात कि कर्तृवाच्य जो होगा वो सकर्मक भी होगा और अकर्मक भी होगा, अर्थात दोनों प्रकार का होगा, अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, और वह कर्ता के अनुसार वचन के अनुसार जो क्रिया आएगी वो प्रश्नपदी धातु का प्रयोग होगा। देखिए अब हम देखेंगे कि कैसे, अब हम एक छोटी सी सारणी बनाएंगे जो हमारे ट्रिक के माध्यम से भी काम कर सकती है। देखिए एक वाक्य में
क्या क्या होते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और इसकी हम पहचान लिखेंगे। देखिए कर्ता होता है, कर्म भी होता है, और तीसरी बात क्रिया होती है। और क्रिया कौन से प्रकार की होती है वो हम इसमें लिखेंगे। देखिए पहला कर्ता, कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, जो कर्तृवाच्य का कर्ता होगा उसमें विभक्ति जो आएगी प्रथमा विभक्ति आएगी, और कर्म जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, और जो क्रिया होगी वो प्रश्नमयी पदी होगी। इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी, जो कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, और जो क्रिया आएगी वो प्रश्नमयी पदी आएगी। जैसे स पढ़ती, सह पढ़ती, देखिए वह पढ़ता है। अब देखना है ये है कि इसमें कर्म है या नहीं है। नहीं है, पहली बात कर्ता और क्रिया, तो इन्होंने कहा कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, ये प्रथमा विभक्ति है, और जो क्रिया होगी वो प्रश्नपदी आएगी, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो ये एक वाक्य बना सह पढ़ती, वह पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठता है, वे दोनों पढ़ते हैं। तो यहां देखिए वे दोनों की संस्कृत क्या होगी, तौ पढ़ते हैं, क्रिया आ जाएगी कर्ता के अनुसार, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की आ जाएगी, तौ पठता है, वे दोनों पढ़ते हैं। देखिए अब वह संस्कृत पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है, ध्यान से देखिए वह संस्कृत पढ़ता है। तो इस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों बात आ गई है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो हमें ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा स को संस्कृत में क्या कहेंगे, वह को स, संस्कृत पढ़ता है तो कर्म में द्वितीय, स संस्कृतम संस्कृत को पढ़ता है, पढ़ति वह संस्कृत को पढ़ता है, सह संस्कृतम पठती, ये क्या बना वाक्य बना, कौन सा कर्तृवाच्य। आगे देखिए और भी हम उदाहरण करेंगे इसके। चौथा देखिए राम जाता है, राम जाता है, तो देखिए राम यहाँ करता है और जाता है क्रिया है। तो हमें ध्यान रखना है कर्तृवाच्य की पहचान है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति आएगी रामः, क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार आएगी, जाना गम धातु, गच्छति, राम जाता है गच्छति, राम बाजार जाता है। पांचवा वाक्य देखिए राम बाजार जाता है, तो यहां देखिए ये क्या है, कर्ता है, राम करता है, बाजार क्या है कर्म है, और जाता है क्या है क्रिया है। तो यहाँ कर्ता की प्रधानता मैंने आपको बताई है कि यहाँ कर्तृवाच्य जो होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, क्रिया कर्ता के अनुसार। तो देखिए राम में प्रथम विभक्ति लगाएंगे रामः, बाजार को क्या कहते हैं आपण, तो आपणम रामः आपणम गच्छति, राम बाजार जाता है। तो यहाँ कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीय, और
क्रिया प्रश्नपदी है कर्ता के अनुसार। देखिए मैं पढ़ता हूं, छठा वाक्य देखिए, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो देखिए यहां मैं क्या है, कर्ता है। कौन से पुरुष का कर्ता है, उत्तम पुरुष का कर्ता है। तो पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो हमें ध्यान रखना है कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। तो मैं की संस्कृत क्या होगी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। तो देखिए आगे देखिए, मैं कथा पढ़ता हूँ। वाक्य देखिए, मैं कथा पढ़ता हूँ, तो इसकी संस्कृत क्या होगी। देखिए मैं क्या है, कर्ता है, कथा क्या है, कर्म है, और पढ़ता हूँ क्रिया है। तो यहाँ मैं की संस्कृत होगी अहम, कथा को पढ़ता हूँ, कथाम पठामि। तो यहाँ देखिए ये कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति आई, और ये क्या है, कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति आई, और पठामि क्या है, क्रिया है। इसके अनुसार आइए, कर्ता के अनुसार, यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष का है, एक वचन है, इसलिए यहाँ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन आई। दोबारा आगे देखिए, सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नियम है वो ध्यान में रखना है आपको, और शब्द रूप याद होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सा क्रीडति, वह खेलती है, वह खेलती है। तो सा स्त्रीलिंग है, यहां करता है, और ये क्रिया है। आगे देखिए, सीता विद्यालय जाती है, देखिए जो वाच्य होते हैं जो आपके सिलेबस में है वो वर्तमान काल में ही है, लट लकार में पूछे जाएंगे, और रीट में भी इसका एक प्रश्न आएगा, तो हमें ध्यान होना चाहिए। देखिए सीता विद्यालय जाती है, तो यहाँ कर्ता सीता है, और विद्यालय क्या है, कर्म है, जाति क्या है, क्रिया है। तो यहाँ सीता में प्रथमा, सीता विद्यालय को जाती है, विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ ये कर्ता हुआ सीता, ये कर्म, और ये क्रिया। अब देखिए, तुम पढ़ते हो, तो यहां देखिए तुम ये करता है, ये क्या है, क्रिया है। तो यहां ध्यान रहे तुम की संस्कृत क्या हो जाएगी, युष्मत् शब्द रूप त्वम पठसि, क्योंकि यहां कर्ता मध्यम पुरुष का होने के कारण यहां क्रिया भी मध्यम पुरुष की आई है। आगे देखिए, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए हम दोनों करता है, उत्तम पुरुष का करता है, क्रिया है, पढ़ते हैं। तो देखिए हम दोनों की संस्कृत क्या होगी, अहम आवाम वयम, तो अहम आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठाओ, ये क्या है, कर्तृवाच्य है। अब देखिए आगे देखिए, 12 नंबर, हम दोनों पढ़ते हैं,
तो देखिए, मैं जल पीता हूँ, मैं जल पीता हूँ, तो मैं क्या है, तरता है, जल क्या है, कर्म है, और पीता हूँ क्या है, क्रिया है। तो हमें ध्यान रखना, तरता उत्तम पुरुष है, इसलिए देखिए अहम जल पीता हूँ, जलम पिवामि, मैं जल पीता हूँ, अहम जलम पिवामि, मैं नाटक देखता हूँ, मैं नाटक देखता हूँ, मैं नाटक देखता हूँ। देखिए यहाँ करता है, ये कर्म है, और देखता हूँ क्या है, क्रिया है। अहम इसको देखता हूँ, नाटक को, तो नाटकम पश्यामि, मैं नाटक को देखता हूँ। आगे देखिए, आपको नियम ध्यान होने चाहिए, नियम के अकॉर्डिंग आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली है वाच्य में, और प्रत्येक परीक्षा में ये एक प्रश्न जरूर आता है। हम सब श्लोक, हम सब श्लोक पढ़ते हैं, तो यहां देखिए हम सब करता है, श्लोक क्या है, कर्म है, और पढ़ते हैं ये क्या है, क्रिया है। तो हमें ध्यान होना चाहिए जो यहाँ करता है वो कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष का, तो क्रिया भी कौन सी आएगी, उत्तम पुरुष की आएगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, अहम अवाम वयम, कर्म में द्वितीय विभक्ति, श्लोकान पठामः, हम सब श्लोकों को पढ़ते हैं। देखिए आगे, ते विद्यालयम्, ते विद्यालयम् गच्छन्ति, दो वाक्य बना रहा हूँ, ते विद्यालयम् गच्छतः। ध्यान करें, यहाँ जो ते है ये स, तौ, ते पुल्लिंग का बहुवचन है, इसलिए यहाँ कर्ता बहुवचन का होने के कारण यहाँ जो क्रिया आई है वो भी बहुवचन की आई है। ते वे सब विद्यालय जाते हैं, तो ये जो ते है ये देखिए स्त्रीलिंग का है, सा, ते, ताहा, तो यहाँ जो ते है द्विवचन का, इसलिए यहाँ जो क्रिया आई है द्विवचन की आई है, ते विद्यालय गच्छतः। देखिए इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है, पर्याप्त है। मैं आशा करता हूँ आपको जितना भी करवाया है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।